सोचे कि आप एक 20 साल का बेरोजगार इंसान हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको रोज़गार दिला सकती है, आपके पास डिग्रियां हैं, आपने डिप्लोमा कर रखी है, आपने बीटेक कर रखी है, बट टिल नाउ आप एक बेरोज़गार आदमी हैं। क्यों? इसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। आपने वो सारी चीज़ें किया जो एक मिडिल क्लास आदमी करता है। आपने 4 साल अपने लाइफ में एजुकेशन को दिया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, बट लास्टली आपको उसमें भी सफलता नहीं मिली और अभी भी आप वैसे का वैसे हैं। ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखते हैं तो ज़िंदगी के बे इंतहा 22 साल गुजर चुके हैं और हाथ कुछ भी नहीं आया। फैमिली प्रॉब्लम्स, लोगों के ताने, बहुत सारी चीज़ों के बीच आपको जीना पड़ रहा होगा, बट आप अगर खुद के अंदर झांक के देखते हैं तो आपको उत्तर मिलता है कि आप अभी तक ऐसे क्यों हैं। देखिए गाइस, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पढ़ाई के बाद गवर्नमेंट का जॉब का तैयारी करना गलत है, बट आपने उस दौरान किया क्या? आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लिया। थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के कारण आपको जॉब नहीं लगी। आपने बहुत सारा प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू भी दिया, बट वहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं। आपको उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। हर एक कोई भी इंडस्ट्रीज हो, कोई भी कंपनी हो, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज का बंदा चाहिए। प्रैक्टिकल जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई कदर नहीं करता। सो आपने एक ही गलती की लाइफ में कि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं रहा, प्रैक्टिकल हर एक चीज़ को आपने नहीं किया, इस वजह से आप अभी तक वैसे का वैसे हैं। चलिए सारे गमों को इसी पुराने साल 2022 में छोड़ते हुए हम लोग 2023 का अच्छा शुरुआत करें, प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ। सो हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको फुल प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट साइट, अबाउट थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल जो भी होता है एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।